हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द बलरामपुर। तो रात को आके बलरामपुर रुके थे, और भाई कुछ लोग जिन लोगों ने अरेंजमेंट कराया था, ये देखो पीछे। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो गाइस, मैं तो मैसेज हो गई। मैं नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा इनके अंदर से। तो जिन लोगों ने अरेंजमेंट कराया था उनके घर यहाँ नियर बाई में ही है, पास में। तो सुबह का ब्रेकफास्ट उनके यहाँ है, तो वो करके तब निकलेंगे यहाँ से प्रॉपर दिल्ली के लिए। आज दिल्ली लगानी है कैसे भी करके, 11 बजे तक, 10 बजे तक जो भी होगा। यहाँ से अराउंड है 650 किलोमीटर। और भाई को सुबह ज्वाइन करनी है अपनी नौकरी, खतरे में पड़ गई है। 4 दिन की छुट्टी ले गए, 7-8 दिन हो गए, और हमें भी अपनी शॉप पे पहुंचना है। काफी दिन हो गए काम धंधे देखने चल के, तो चलते हैं पहले वहां मिलाते चल के उनके वहां पर, और फिर निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। अभी तो सारा सामान हमारा ऐसे पड़ा है, ये डाटा कॉपी हो रहा है भाई का और मेरा दोनों का, और लगेज वगैरह सब गेयर्स वेयर्स इधर इधर अटम्स अटम लगा रखे हैं। देखो उधर वाले, देखो वहाँ पे भी चार्जिंग पे, यहाँ देखो यहाँ मेरा गोप्रो चार्जिंग पे, यहाँ देखो यहाँ ड्रोन चार्जिंग पे, और भाई का गोप्रो चार्जिंग पे, यहाँ डाटा लैपटॉप चार्जिंग पे। तो ऑल सेटअप सब चार्ज हो रहा है, इतने हम वहाँ घूम के आते हैं। हाँ जी सर, चले इधर सर, सीधा मिलते हैं वहीं पे। तो भाई ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं वहां से, अब फटाफट से यहाँ से करते हैं चेकआउट, काफी ज्यादा लेट हो गया है। बाहर चलते हैं, भाई अपना कर रहे होंगे, लगेज बांध रहे होंगे, बैग वैग मैं पहले से बांध कर आया हुआ हूँ। और ये देखो भाई बांध रहे हैं बैग, शाबाश, फटाफट से बांध लो, मुस्कुराते चेहरे। तो ये है होटल जहाँ हम रुके थे, बलरामपुर का सबसे बढ़िया और महंगा होटल है ये, जो हमें अरेंज करा दिया गया था रातों रात। भाई के जो मिले थे दोस्त यार बुलंदशहर के, उन्होंने, और फटाफट सब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। सो हे गाइस, दिस इज विष्णु, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया नेपाल राइड, दिल्ली लगानी हर हाल में। हेलो, हाँ नेपाल से वापस, नहीं अकेला नहीं हूँ, एक और भाई पीछे हैं। हाँ पीछे आ रहे हैं, हाँ रोको रोको, आप साइड में रोको। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं, मूड अच्छा होता रहता है। और तेरी ऐसी तैसी, अबे कहाँ चल रहा है बे साला, बिल्कुल ही सर पे आ गया। तो गाइज हम कितना भी सेफ चल रहे हैं रोड पर, लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। अपनी हेकड़ी में चल रहा था और बिल्कुल सर पर आ गया था, ऊपर कैसे बचे हूँ बे, बाल बाल। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं बहराइच में, यहाँ है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बहराइच का। हेलो, देख रहे हो गाइस रिएक्शन फ्रॉम द कार, तो बच्चे अंदर से हाथ दे रहे हैं, वाओ मजा आ गया भाई, ऐसे रिएक्शन मिलते हैं बंदा अपने आप मोटिवेट हो जाता है। तो धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, और आगे है ये रेलवे क्रॉसिंग। तो अभी ट्रेन निकलेगी यहाँ से, फिर हम निकलेंगे। तो आफ्टर ए लॉन्ग राइड, 250 किलोमीटर की नॉन स्टॉप राइड के बाद शाहजहाँपुर आके रुके हैं। बारिश हो रही थी बहुत तेज, इसलिए रुक गए, और यहाँ पर ही खड़ी अपनी एरोक्स भाई की जावा, जावा कहाँ है, जावा कहाँ है भाई ने वहाँ खड़ी कर रखी अपनी जावा। और यहाँ है फैमिली, है फैमिली रेस्टोरेंट करके, कोई हिमालयन फैमिली रेस्टोरेंट। तो चलते आपको दिखाते हैं भाई ने क्या ऑर्डर कराया, क्या खाया। गेट दिया, खा लो, क्या लाए हो, ऐ रील देखो अपनी चल रही है, बंदा कितना फेमस हो। वो तो सामने करिए ना, पनीर पकोड़े, चाय और चटनी। तो फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई अब एक घंटे बाद जाकर, जब से वहाँ से निकले हैं चाय पकोड़े खाने के बाद, तब से बारिश स्टार्ट है, नॉन स्टॉप कैमरा बंद था, अब जाके खुला है। घंटे बाद पूरी बराबर बारिश 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 मिली है। अब जाकर ये बरेली क्रॉस कर दिया हमने, उसके बाद बारिश बंद हुई है थोड़ी। तो ये है टोल प्लाजा फरीदपुर। फरीद भाई ऐसे कहाँ छोड़ के भग जा रहे हो, बंद कर लिया बस, डर गए, आ गया हो, आगे आ गया हो, अरे आ गया हो। तो अब सूर्य देवता अस्त होने वाले हैं, कितना मस्त व्यू आ रहा है सामने, देखो देवरनिया नदी है, दे सीमा प्रारंभ। भाई बच गए, उसका कुछ भी जो इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ नहीं है, एकदम यूला के सीधी कर दी रोड पे,
मजा आ रहा है। अब तो बारिश नहीं होनी चाहिए, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर तो पहुंचा देंगे आराम से। अब आप ऐसा लग रहा है आप, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने यहाँ आ गए, थोड़ा और अंदर घुस गए ना मुराद। हाँ इस 11 बजे गाजियाबाद दिखा रहा है, आधा घंटा और आगे। मस्त सामने देखो कितना मस्त लग रहा है अब सूरज। बजाओ भाई बजाओ, गाना सुनो। ओ ये बढ़िया था। ओ अबे सावन लग गए भाई साहब, सावन लग गए। तो गाइज अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ मेरे लिए हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, और लास्ट के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, और अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब ठोक दो। और ये देखो यार, ओ घोड़ा ठुक गया और मर गया शायद। ऐसे जानवर यार रास्ते पे मैंने इतने देख लिए, दोनों साइड कोई भी बैरिकेडिंग कुछ लगी नहीं है रोड के, ऐसे निकलते हैं और गाड़ी के आगे आगे आ जाते किसी के, ये हो जाता है। रात जाते टाइम सौरभ भाई भी अपने बच गए थे, उनके एक बार तो वहाँ कहाँ था बुटवल में, हाँ गाय आगे आगे थी जब उनके हैजार्ड टूट गया था लग के, और फिर इधर आते टाइम एक बार कुत्ता। तो ये सब चीज़ें कभी कभी आगे आ जाती हैं और दिक्कत देती हैं रोड पर। तो गाइज़ मुरादाबाद से 20 किलोमीटर पहले हम गए, बहुत बुरा वाला फंस हैं, और क्योंकि इतना गंदा जाम लगा हुआ है बिल्कुल बंद ही है, देखो नेविगेशन में भी एकदम रेड हो गया पूरा। भाई सौरभ भाई उतर के गए देखने क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्यों किस वजह का जाम है, काफ़ी देर हो गई है खड़े खड़े। तो भाई हमें रूट चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि वो पूरा हाईवे देखो दिखाई दे रहा होगा, पूरा हाईवे जाम है, पता नहीं किस वजह से बहुत लंबा जाम है, दसियों किलोमीटर लंबा। अब देखो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दूसरा रूट नेविगेशन का, और यहाँ से जाना पड़ेगा। तो घूम के वापस उसी हाईवे पे आ गए, और देखो यहाँ पे भी पुलिस लग रही है, तो कुछ तो बात है, इधर भी पुलिस, यहाँ भी पुलिस लग रही है। मुरादाबाद विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। मुरादाबाद पहुंच गए और वो जा रही है ट्रेन, थोड़ा सा लेट हो गए, वो पता नहीं कितना गंदा वाला जाम लगा, कोई क्रैश व्रैश तो कुछ एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है, शायद कांवर वावर की वजह से रोक रखा है, पूरा हाईवे रोक रखा है, कोई बड़ी सी कांवर होगी ऐसा बता रहे थे लोग। आगे गाइस फाइनली मुरादाबाद भी क्रॉस करने के बाद रुके हैं, यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि 9 बजने वाले हैं, भूख लग गई है। तो दो टेक में हम यहाँ गए हैं, यहाँ पर बलरामपुर, पहला 250 दूसरा 200, दूसरी जगह रुके आगे थोड़ा बहुत खाते हैं और अब सीधा दिल्ली, यहाँ से अराउंड रह गया 150 किलोमीटर। थक गए क्या, थक गए हो गए, फट रही है, मज़ा आ गया लेकिन हैं, 200 किलोमीटर मार दिया एक बार में है। तो भाई साहब देखो अपनी मोशन, मस्त लुक देते हुए, फुल लॉन साथ देते हुए, बस अब अपने घर पहुंचने वाले हैं, 150 किलोमीटर और। तो कुछ खा पी लेते फिर मिलते हैं आपसे वापस से एरोक्स पे। तो खाना हो गया, फटाफट से आ गए वापस से हाईवे पे, और क्या हो गया, तो यहाँ खाया था हमने खाना सिंह गैस बेस्ट ढाबा, वो हो। तो 9:33 हो गए, अब हमें 2 घंटे और लगने वाले हैं, मतलब घर पहुँचते 2.5 घंटा हो जाएगा। तो चलते हैं अब फटाफट से, इसको भी कवर करते हैं, थोड़ा सा पैस रह गया, यहाँ से नॉन स्टॉप सीधा सीधा है। तो भाई आ गए अपने खजूरी चौक पे, और
यहाँ से 1 किलोमीटर और बस तो पहुँच ही गए नेपाल से इंडिया अपने घर वापस। वन डेज ओनली इन वन डेज और टाइम लग गया अराउंड हमें 11 से 12, इट मीन्स 12 घंटे में नेपाल से दिल्ली। यामा एरोक्स 155 पर। तो इसी बात पे हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। घरों में भारी बैठे सारे। हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया।